हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉय वर्ल्ड आरएलएस। आज हम आपको दिखाने वाले हैं सॉफ्ट टॉयज़ की एक अलग ही दुनिया। इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे सॉफ्ट कैरेक्टर्स हैं, स्पाइडरमैन से लेके डॉल से लेके बैटमैन से लेके एवेंजर्स के सारे कैरेक्टर्स, टॉम एंड जेरी, एलिफेंट, एनिमल्स के अलग अलग कैरेक्टर, यूनिकॉर्न, क्रोकोडाइल, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो हम डिटेलिंग में देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शो, हमारा ये पहला कैरेक्टर जो है वो है ये प्यारी सी किटी, जो देखने में बहुत ही शानदार है। और ये वाला जो मटेरियल है वो आप जो देख रहे हैं वो 100% वॉशेबल है। आप इसको कितनी भी बार वॉश करो, इसकी जो फिनिशिंग और इसका जो फॉर फिनिशिंग है वो बहुत ही बढ़िया है, वो वैसा का वैसा रहेगा। मतलब 100% वॉशेबल चीज़ है। तो ऐसे ही बहुत सारे मॉडल अपने पास यहाँ पे हैं, तकरीबन 100 से भी ज़्यादा मॉडल हैं। सारे मॉडल्स का हम आज डिटेलिंग देखेंगे। तो ये है हमारे पास कुछ स्पाइडरमैन में दो साइज़ है अपने पास, छोटी साइज़ है, बच्चों को पकड़ टिक्के खेलने में बहुत ही मज़ा आएगा। और ये है कुछ बड़ी साइज़ का स्पाइडरमैन, तकरीबन 3 फीट की साइज़ है इसकी, और बहुत ही शानदार मटेरियल है। और इसका जो फिनिशिंग है वो भी एकदम नेचुरल फिनिशिंग है। तो ये था एवेंजर का स्पाइडरमैन। हमारे पास है यहाँ पे एक एवेंजर का आयरन मैन है, कैप्टन अमेरिका है और बैटमैन है। ये तीनों मॉडल सेम साइज और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के वॉशेबल है। और एक ये हमारे पास है एक बहुत ही शानदार पपी जो दिखने में काफ़ी नेचुरल लग रहा है। और इसका जो फर है वो काफ़ी हद तक, मतलब जो ओरिजिनल पपीज का फर होता है उस टाइप का फर बनाया गया है और फुल्ली वॉशेबल कॉन्सेप्ट है ये। इसमें अपने पास कलर ऑप्शन भी मिल जाते हैं, ये इसका दूसरा कलर है, ये आप देख सकते हैं। और काफ़ी क्यूट इसकी आइज जो आप देख रहे हैं, आइज भी काफ़ी क्यूट है और एकदम सॉफ्ट है। मतलब अगर बच्चा इसको पिलो बना के सो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतना स्मूथनेस है इसका। फिर एक ये वाला डॉगी है, ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन में काफ़ी शानदार और थोड़ी बड़ी साइज का डॉग है। फिर हमारे पास है ये प्यारी सी किटी जो देखने में बहुत ही मासूम और प्यारी लग रही है, काफ़ी हद तक ये ओरिजिनल टाइप का कॉन्सेप्ट लग रहा है। फिर आपको मिल जाएगा कुछ इस टाइप का टर्टल मिल जाएगा, बहुत ही सॉफ्ट टर्टल है, एकदम स्मूथनेस इसकी है। इस टाइप की डॉगी है हमारे पास, फीमेल डॉग। एक ये वाला मॉडल है, एक ये वाला मॉडल है। हमारे पास कुछ इस टाइप के यूनिकॉर्न्स हैं अलग अलग साइज में और काफ़ी सॉफ्टनेस है इसकी। और ये वाला जो पिंक है, इसका जो फर है वो काफ़ी हद तक मतलब एकदम स्मूथ, जो मतलब अपने एनिमल्स का फर होता है कुछ इस टाइप का फर बनाया गया और काफ़ी शानदार कॉन्सेप्ट है। फिर हमारे पास यहाँ पे है कैटरपिलर, कलरफुल कैटरपिलर है जो काफ़ी हद तक लंबा है और एकदम स्मूथ आता है। फिर हमारे पास है यहाँ पे कुछ प्यारा सा एक पू। फिर हमारे पास है एक ये वाला मिनियंस है। फिर हमारे पास ये एक क्यूट सी बनी है जो काफ़ी हद तक क्यूट लग रही है। उसको हैंग करना हो तो आप कुछ इस तरह से हैंग भी कर सकते हो। फिर हमारे पास है कुछ इस तरह की डक है, इसको भी आप आराम से हैंग कर सकते हो। एक ये प्यारा सा डोरेमोन है जिसका कुछ ऐसा मैजिकल पॉकेट है और काफ़ी हद तक जो नेचुरल डोरेमोन है कुछ उसी टाइप का इसका लुक है। हमारे पास है कुछ इस टाइप का पेपा है, काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी हद तक जो ओरिजिनल पेपा होता है वैसा लुक। हमारे पास है यहाँ पे पॉ पेट्रोल के कैरेक्टर्स, काफ़ी हद तक नेचुरल और सॉफ्ट है। हमारे पास है ये एक प्यारी सी मिनी, पिंक कलर का उसके क्लॉथ्स हैं, बहुत ही शानदार है और इसका जो फर मटेरियल है वो भी शानदार है। और ये अब तक का मेरा सबसे फेवरेट और हमारा बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। ये कुछ इस तरह का टेडी बियर है जो हैंग भी कर सकते हैं और एकदम स्मूथ है। इसका जो ऊपर का फर है ऐसा लगता है जैसे कि हम मलाई को हाथ लगा रहे हैं। एक और हैंगिंग टॉय, ये एक डॉग का मॉडल है, बहुत ही शानदार कलर कॉन्सेप्ट इसका दिया गया है। हमारे पास है ये बेबी कांगारू विथ ओरिजिनल कांगारू, इसको भी आप हैंग करके कहीं पर भी रख सकते हो और काफ़ी शानदार क्वालिटी है इसकी। एलिफेंट, कुछ ये टाइप का एलिफेंट्स है हमारे पास। फिर एक ये जंबो एलिफेंट है, काफ़ी हद तक ओरिजिनल लुक है इसका। ये भी एक हैंगिंग टॉय है, स्ट्रॉबेरी मिकी बोलते हैं इसको, काफ़ी शानदार है। ये हेलो किटी है इसकी, हेलो किटी सबसे छोटी से इसकी हेलो किटी। ये हमारा फेवरेट पैगविन, काफ़ी हद तक इसका जो फिनिशिंग है वो बहुत मस्त है और इसकी जो स्टिचीज है वो भी बहुत शानदार है। पास है ये फाइटर कांगारू जो काफ़ी हद तक बहुत ही मस्त लग रहा है और जैसे ये एकदम से हमको पंच मार देगा। मेरे पास है ये बेबी डायनासोर, काफ़ी हद तक क्यूटनेस से भरा हुआ कुछ इस तरह का लुक है इसका। ये हमारे पास एक मंकी है, काफ़ी सॉफ्ट है और एकदम प्यारा सा मंकी है। इसको आप हैंग करना चाहो तो कुछ इस तरह से आपको हैंग करने का भी ऑप्शन मिल जाता है और इसको बच्चों के बेड वगैरह पे हैंग करके बहुत ही मज़ा आता है। आपको मिल जाता है कुछ इस टाइप का जेरी मिल जाता है और कुछ इस टाइप का
टॉम मिल जाता है, ये टॉम एंड जेरी है। अगर आप इसको सिंगल सिंगल परचेज करना चाहो तो सिंगल सिंगल भी मिल जाएगा, और अलग अलग चाहिए तो अलग अलग भी मिल जाएगा। इसमें भी हैंगिंग का ऑप्शन दिया गया है। फिर ये है हमारा जेरी, जेरी को भी हैंग करने का ऑप्शन मिल जाता है, काफ़ी हद तक नेचुरल जेरी जैसा ही लुक है। ये है हमारा बेबी डायनासोर, इसमें भी आपको हैंगिंग ऑप्शन मिल जाता है। हमारी एक क्यूट एंजल, बहुत ही शानदार है, इसके जो हेयर्स है वो भी बहुत मस्त है। इसमें बच्चे कैसे भी खेलें, अगर इसको पाँव से खींचे कैसे भी करे कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हैंगिंग का ऑप्शन मिल जाता है। एक ये भी बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, मेरे पास ये बेबी बॉय एंड बेबी गर्ल है, पिंटू पिंटी बोलते हैं इसको, और बहुत ही शानदार फर है इसका। इसमें भी आपको हैंगिंग ऑप्शन मिल जाता है। ये हमारे पास एक स्लीपिंग कैट है, बहुत ही लंबी है और कुछ इस तरह का इसका फेस से, बच्चों को बहुत ही मज़ा आएगा ये खेल के। और इसमें आपको इतना लंबा चीज़ मिल जाता है और इसकी जो स्मूथनेस है वो बहुत ही शानदार टाइप के। हमारे पास और भी अलग अलग मॉडल्स हैं, ऐसे ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप हमें ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टॉय वर्ल्ड आरएलएस।